तो आ गए फिर से हम। हमने जो आदत लगाई थी लास्ट ईयर आपकी कि रात को मैच देखना है, उससे पहले सुबह उठना है, 8 बजे जाके वी स्पोर्ट पे प्रीव्यू देखना है, फिर उसके बाद टीम बनानी है, फिर उसके बाद जीतना है हारना वो अलग है। तो फिर से हम वही करने वाले, और जो आदत लगा दी है उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। गारंटी हम अभी भी नहीं थे कि वीडियो देख के आप जीत जाएंगे, लेकिन ये गारंटी जीते हैं, मजा बहुत आएगा, और हारोगे तो दुख थोड़ा सा कम होगा। तो हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं पीयूष शर्मा, पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो व्यू स्पोर्ट की यूट्यूब चैनल पे आई गई हो तो ऐप पे भी चले जाओ। ऐप लाइव हो गई है हमारी, और अभी तक नहीं इंस्टॉल करी है आपने, जाके कर लीजिए। और जैसे ही आप जाएंगे होम पेज पे दिखेंगे आपको ये वीडियो, सुनील छेत्री जो की है हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स, और इसीलिए जो गिव अवे है, अब हम एबी की ओरिजिनल ऑटोग्राफ जर्सी प्रीव्यू में करने वाले। तो एंड तक पूरा देखिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। और सिर्फ आईपीएल ही नहीं, जितने मैचेस कवर हो रहे हैं, जितने लिस्टेड हैं किसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे, सारे कवर करने वाले हम, छोटे से छोटे। तो सारी कवरेज के लिए ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, और भी बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो कि हम आईपीएल पे बनाने वाले हैं, आईपीएल के बाद भी, आईपीएल से पहले भी, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, फाइनल टीम भी तो चाहिए ना, तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पाना पड़ेगा आपको। तो व्यू स्पोर्ट का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पिंड कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पे आना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फाइनल टीम्स के लिए, फाइनल अपडेट्स के लिए, क्या हम करने वाले हैं, किसको कैप्टन बनाने वाले हैं, किसको ड्रॉप करने वाले हैं, कौन सा बॉलर कितने ओवर कर सकता है, कौन सा इंपैक्ट प्लेयर होगा, सब कुछ टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे। तो जरूर आ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे स्काउट्स के टेलीग्राम चैनल लिंक में डाल देंगे हम। और हमारे साथ में हमारे सारे स्काउट्स, जिन्होंने लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा हमारे लिए आईपीएल गया था, फैंटेसी परस्पेक्टिव से भी, और वैसे देखने में काफी मजा आया था। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा, मिस्टर वसीम जाफर, मिस्टर अनुराग द्विवेदी, और व्यू स्पोर्ट क्रिकेट पे अपना डेब्यू करते हुए, क्योंकि फुटबॉल पे तो बहुत रेगुलर दिखाई देते हैं, क्रिकेट पे डेब्यू कर रहे हैं, और बहुत कम होस्ट है इंडिया में जो कि क्रिकेट फुटबॉल दोनों में ही इक्वली इतने गुड हैं, बोथ हिंदी इंग्लिश। प्लीज वेलकम मिस्टर दैगी। थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डेब्यू कैप जैसा आपने कहा वो मेरे पास है नहीं, लेकिन सबसे सीखने का मौका मिलेगा और होपफुली अनुराग से एक गाड़ी मिल जाएगी गिफ्ट में बाय द एंड ऑफ द सीजन। और क्या, नहीं, अनंत गाड़ी तो मिल जाएगी, गाड़ी मेंशन करनी पड़ेगी कौन सी चाहिए। ये बात भी सही है। और सोचो वसीम, तो बड़ा सोचो। अगर ये गाड़ी मिल रही है तो मेरे को क्यों नहीं मिली अभी तक, मुझे से चाबी मिल गई उसने, और मुझे वसीम छल्ला भाई दिया का था ना। तो वसीम भाई का तो मैं वैसे भी सेकंड बिगेस्ट फैन हूँ आफ्टर माइकल वॉन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे उससे बात करने का। और आकाश चोपड़ा जी का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ और ये वो खुद जानते हैं, तो इसलिए मैं न केवल इस स्काउट्स पे उनके साथ होने के लिए बेकरार हूँ, बड़े फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हूँ मुझे ये ट्रेलर मिल गया, ये एपिसोड बहुत मजा आने वाला। ना। तो अनंत भाई, आप कमेंट्री भी करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, आप पोस्टिंग भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, क्रिकेट भी करते हैं, फुटबॉल भी करते हैं। तो आपको देख के ना मुझे वो वीडियो याद आता है वो, कि हम ओपनिंग बैटर भी हैं, हम बॉलिंग भी ओपनिंग करते हैं, हम ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते मुझे तो वो गोविंदा की फिल्म याद आती है जहाँ पे वो हैं। सब था, वो रहम करो रहम करो डालते रहम करो। वसीम वसीम सर बोल रहे हैं कि मुझे पहले ही टैलेंट पता होता, मैं पंजाब में ले लेता, इंपैक्ट प्लेयर बना देता इनको। अरे यार, थैंक यू, लेट्स 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 मूव ऑन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं आज के मैच पे, जो कि है सीएसके वर्सेस गुजरात, और है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। काफी बार हम बात कर चुके हैं इस वेन्यू की, कि आपको क्लियर चेजिंग बायस यहाँ पे भी दिखता है, और आईपीएल 2021 जहाँ से नए स्टेडियम की शुरुआत हुई, जहाँ मैचेस हुए आईपीएल के, वहां देखेंगे 7 मैचेस में 5 बार चेजिंग साइड ने जीता है, सिर्फ 2 बार जीती है बैटिंग वर्स्ट करने वाली टीम। इनफैक्ट जो हर कैप्टन है हर बार टॉस जीत के यहाँ पे बॉलिंग ही चूज करते हैं, ऑफकोर्स व्यू काफी होती है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, एक कैप्टन रहे हैं जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट की है, वो था आईपीएल फाइनल, जो कि बुरा ही नहीं भूलता है। तो चलते हैं आज के मैच पे। आकाश सर, कंडीशंस में आपको कोई चेंज लग रहा है, आपको लग रहा है कि ड्यू इस बार इफेक्ट थोड़ा कम होगा अभी, या फिर अभी भी आपको लगता है टॉस जीतो बॉलिंग करो मैच जीतो? और ड्यू कम होनी चाहिए एक्चुअली, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी उतनी वो दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर कम होता जाएगा। सो इस साल का एक्चुअली ये टूर्नामेंट का एक एक्साइटमेंट, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो बहुत एक्साइटिंग है, उसमें होम एंड अवे का फैक्टर है, क्योंकि ये पहला गेम 31 मार्च, अभी भी हम कह सकते हैं शायद थोड़ी ड्यू होगी, पर मुझे नहीं लगता इतनी ड्यू होगी कि
और सडनली वो बॉल ही एकदम वो गीले साबुन की टिकिया बन गई, ऐसा मुझे लगता है नहीं होगा। पर पिच एक बार फिर दोबारा, ये इसके लिए थोड़ा ध्यान से सबको ऑब्जर्व करना होगा, और पीयूष भी होगा, अनुराग भी होगा, सब होंगे, वो देखना होगा कि लाल मिट्टी की पिच है या काली वाली पिच है। तो वो जरा फॉलो कीजिएगा, हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे और ब्रॉडकास्ट पे भी आप आ जाइएगा, एक ही जगह आना पड़ेगा, वहीं पे आपको ये वाली न्यूज मिलेगी। नहीं बताऊंगा क्या नाम है, पर वो तो सर वहां पर अपना आ ही जो है बता जाइएगा। सकते हो आप अच्छा अपना ही है क्या? ओके फाइन, अरे जियो अपना सिनेमा पे आ जाना, फ्री में देखेंगे वहां पर, 4K क्वालिटी में देखेंगे, अपना क्या कहते हैं 12 languages 18 feet सब कुछ दिखाएंगे। तो वहां पे हम अपना फैंटेसी का पूरा शो कर रहे हैं, एक्चुअली एक्चुअली प्लग करना चाहिए, शेमलेस प्लग, फैंटेसी का शो कर रहे हैं जिसमें पीयूष, अनुराग, मैं सब वहां पे इन्वॉल्व होंगे, और हम एक्चुअली पिच का एनालिसिस करेंगे कि ये पिच की हिस्ट्री क्या कहती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इस पिच पे चेजिंग बायस, फास्ट स्पिन का बायस, सो दैट एस्पेक्ट आप थोड़ा सा मैच का क्लोज जाने का इंतजार कीजिए, पर ड्यू उतनी ज्यादा नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। वसीम सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न जो हमने देखा है राइट फ्रॉम 2018, हम बहुत सारे पैटर्न ट्रेंड्स की बात करते हैं जब भी हम आईपीएल प्रीव्यू करते हैं, 2018 से हर बार ऐसा हुआ है कि जो कैप्टन टॉस जीते हैं उन्होंने बॉलिंग पिक बॉलिंग की है पहले, और उसके बाद में चेज हो गया इजिली 2018, 19, 20, 21, 22, हर बार सीजन ओपनर में यही सेम स्टोरी रही है। 3 बार तो इनफैक्ट सीएसके ही जीती है। वसीम सर, आपको लगता है ये पैटर्न इस बार भी कंटिन्यू रहेगा, स्पेशली क्योंकि हम अहमदाबाद में खेल रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये बायस भी देखने को मिलता है? बिल्कुल, ये पैटर्न मुझे लगता है कि होगा, और एडिशनल मुझे लगता है कि क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का ये रूल आया है इस बार, तो उस वजह से तो मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द टीम्स पहले शायद बॉलिंग करेगी, और शायद सेकेंड हाफ में वो इम्पैक्ट प्लेयर यूज होगा। बहुत कम चांसेस है कि वो आप फर्स्ट हाफ में यूज करें, मोस्ट टीम्स जो सेकेंड हाफ में उसको यूज करेगी, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, तो मुझे लगता है कि वो इस बार भी होने वाला है कि टीम्स विल ऑप्ट फॉर यू नो बॉलिंग फर्स्ट। इससे मुझे ये समझ आ रहा है पंजाब तो नहीं करेगी, क्या पंजाब तो सेकंड इनिंग्स में करता करना है। आप डॉट्स कनेक्ट करते रहिए। आनंद भाई, आपके साथ शुरुआत करते हैं। पहला मैच, कुछ प्लेयर्स ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है, डेविड मिलर की हम बात कर चुके हैं, डेविड मिलर अवेलेबल नहीं रहेंगे इस मैच के लिए, ठीक से नहीं रहेंगे, नेशनल कमिटमेंट से ऑलरेडी, तो मैथ्यू वेड आपको खेलते हुए देख सकते हैं फॉर गुजरात, वेन प्रिटोरिया जो कि ऑलरेडी डेथ बोलिंग बिल्कुल नहीं लग रही है सीएसके की, काफी काफी वीक लग रहे हैं उस डिपार्टमेंट में वो, तो ड्वेन पटोरी साहब को खेलते हुए देख सकते हैं। आपके लिए वो सेफ कैप्टनसी चॉइस जिसके साथ आप जाना चाहें, बिल्कुल सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से होंगे? जो सेफ चॉइस है यार मेरे हिसाब से शुभमन गिल, आप ऑरेंज कैप में पिक करो और उसे पहली सेफ पिक ना बनाओ व्यू स्पोर्ट्स के अपने डेब्यू में तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो ऑल्सो यार वो टाटा आईपीएल में जो 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 फॉर्म है इज ऑब्वियसली गोइंग इनटू दिस विद ग्रेट व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर्म अमंगस्ट इंडियन प्लेयर्स। अगर हम बात करें तो यू नो सूर्य कुमार यादव ने ही सबसे ज्यादा, वर्ल्ड नंबर वन सूर्य कुमार यादव ने, फॉरगेट द गोल्डन डक्स, हैज स्कोर्ड मोर रन देन हिम फॉर द मैन इन ब्लू, मतलब और आसपास ही है, ज्यादा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ओडीआईज में भी हमने देखा है कि मतलब ही इज ऑब्वियसली इज अ लीडिंग रन स्कोरर फॉर इंडिया। पिछली बार जब अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेल रहा था वहां पे भी उसने शतक जड़ा था, तो ऑब्वियसली पिच और कंडीशन से भी अच्छी तरीके से वाकिफ वो होगा। इस वेन्यू पे उसके पिछले 3 स्कोर में देख रहा था, एक शतक मारा है अनबीटन, T20s की बात कर रहा हूँ, 45 not out 43, तो ऑब्वियसली समबडी ऑफ हिज एबिलिटी। स्ट्राइक रेट पे हमेशा उसके सवाल उठाए जाते हैं, बट अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देखें T20 इंटरनेशनल डेब्यू से तो इट्स मोर देन 160, जो कि उसके आईपीएल स्ट्राइक रेट से 40 ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक दिस विल बी अ वेरी डिफरेंट शुभमन गिल, और पिछले सीजन कम से कम दैट मंकीज ऑफ द बैक, तो मुझे ऐसा लगता है ही विल स्टार्ट ऑफ ऑन द राइट नोट। तो मेरी पहली सेफ पिक डेफिनेटली शुभमन गिल होंगे। साथ के साथ दूसरी भी बता दो। अच्छा दूसरी बता नहीं, एक साथ बता नहीं। एक साथ राशिद खान मेरी दूसरी पिक, नॉट द विकेट टेकर दैट ही यूज टू बी। मैंने देखा था एक पैटर्न था उनके आईपीएल में कि अगर वो 20 विकेट लेते थे एक आईपीएल में, तो फिर अगले में थोड़े से कम लेते थे, फिर 20 लेते थे या कुछ, फिर अगले में कम। अब उन्होंने पिछले में दिखाया कि यू नो ही इज अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपके जब स्काउट्स देखता था तो हम एक चर्चा हुई थी बहुत दिलचस्प, आकाश, जतिन, अनुराग और वसीम भाई भी थे शायद उसमें, और उसमें ये बात हो रही थी कि इकोनॉमी रेट के पॉइंट्स मिलने चाहिए बिकॉज दे आर सब बोलर्स आर देखा डूइंग है, सो वेल। सब देखा है आनंद सब भाई, देखा है सब भाई। देखा है, तो सब देखा है। और मैं खुद यही चाह रहा था, मैं उस पर नीचे कमेंट लिखूं कि यार कैसे पॉइंट्स नहीं मिलते। अब थैंकफुली दैट हैज चेंज्ड इन T20s एंड ही इज नॉट द विकेट टेकर ही यूज्ड टू बी, तो इसीलिए साइड्स प्रेफर टू प्ले हिम आउट। इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आप लोग तो कर ही चुके हैं, लेकिन एक ऑप्शन बोनस पॉइंट्स का वो हमेशा देते हैं बिकॉज ऑफ हिज लोअर इकोनॉमी रेट। तो मेरे हिसाब से ही हैव द बेस्ट इकोनॉमी रेट अमंग्स ऑल द बॉलर्स जो कम से कम 15 या उससे ज्यादा विकेट लेंगे इस सीजन। तो मतलब इस मैच के लिए नहीं, हर मैच के लिए मैं उनको एक सेफ पिक उस तरह से मान के चलता हूँ।
टेंडेंसी टू कंट्रीब्यूट लोअर डाउन द ऑर्डर विद द बैट, जो मेरे हिसाब से काफी हैंडी हो सकती है उनके लिए. उन्होंने पिछली बार भी आई थिंक 3 क्विक फायर नॉक्स खेले थे. वन ऑफ देम केम अगेंस्ट द चेन्नई सुपर किंग्स, इन फैक्ट पुणे में, इट वाज मैच विनिंग, 40-42 रन मारे थे उसने. तो मतलब ही कैन गिव यू पॉइंट्स फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स रियली. तो अब क्योंकि इकोनॉमी रेट का भी एक एंगल जुट चुका है बोनस पॉइंट्स के लिहाज से, और वो विकेट टेकर तो वो है. ऑल्दो पेसर्स को ये सरफेस नाइट T20 गेम्स में ज्यादा सपोर्ट करती है, आई थिंक 2/3 विकेट्स पेसर्स ने लिए. बट राशिद खान एक बंदा है जो सरफेस को इक्वेशन से बाहर कर देता है. तो राशिद करामाती खान एज आकाश सेज इज माय सेकंड सेफ पिक. अनंत भाई जितना क्लोजली सब देख के आए ना, मुझे लगा डायरी मेंटेन की हुई है कि पीयूष गोयल ने विराट कोहली कैप्टन बनाया था, 0 पे आउट हुआ था, मैंने देखा है. पीयूष का मन भी, पीयूष का मन में ऐसी आवाज आ रही थी, मैं जॉब छोड़ दूं, मैं जॉब छोड़ दूं, मैं जॉब छोड़ दूं. तो शुभमन गिल एक्चुअली मेरे भी कैप्टनसी चॉइस में रहेंगे, मेरे भी कैप्टन रहेंगे हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, स्पेशली अगर वो चेज कर रहे हैं और फैंटेसी वैल्यू बढ़ जाती है. चीज के अगेंस्ट ऑलरेडी 250 कर चुके हैं, दोनों 50 वही चेजिंग आई है. और अहमदाबाद में हम काफी बार बात कर चुके हैं, जो शुभमन गिल का जो रिश्ता है विद वानखेड़े उसका कंप्लीटली अपोजिट है. अहमदाबाद में काफी रन करते हैं यहाँ पर, उनका T20 का हाईएस्ट स्कोर ऑफ 126 नॉट आउट वो भी यही आया. ऑफकोर्स अहमदाबाद में टेस्ट मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, तो ये वेन्यू बहुत ही पसंद है उन्हें. और जिस फॉर्म में है, आपकी कैप्टनसी चॉइस बिल्कुल होने चाहिए, बहुत ही सेफ ऑप्शन है. वसीम सर आपके साथ शुरुआत करते हैं, आपके पहले कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों सेफ आपकी कैप्टनसी चॉइस. मेरे होंगे एक्चुअली पीयूष, हार्दिक पांड्या होंगे, फॉर रीजन बिकॉज के वो कैप्टन बनते हैं तो ऊपर बैटिंग करते हैं, तो विल बैट नंबर 4, नया बॉल से भी बोलिंग करते हैं, तो यू नो विल प्रोबेबली बॉल 3 अप फ्रंट और मे बी 2 और फिर बाद में भी हो सकता है डाले. तो यू नो अगर वो नंबर 4 पे खेलते हैं, बहुत अच्छे बढ़िया बैटिंग फॉर्म में है, यू नो विकेट्स भी लेते हैं, तो यू नो प्लेन एंड सिंपल यू नो वैल्यू बढ़ाते हैं, तो हार्दिक पांड्या मेरे होंगे कैप्टनसी ऑप्शन. सेकेंड मैं जाऊंगा डेविन कॉनवे के साथ, यू नो स्पिन अच्छा खेलते हैं, इवन दो यू आर टेम्प्टेड टू गो विद शुभमन बट अनंत ने बोल दिया है, तो डेविन कॉनवे मुझे लगता है कि यू नो ही कैरीज दैट बैटिंग ऑफ CSK अप फ्रंट में, स्पिन अच्छा खेलते हैं, जैसे मैंने कहा राशिद को मे बी यू नो ही कैन प्ले हिम वेल. तो डेविन कॉनवे मेरे होंगे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, कीपर भी हैं तो वहां पे भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, तो दोस टू विल बी माय कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन. हार्दिक पांड्या हम काफी और बात कर चुके हैं, इस कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, और यहाँ तो वो पहला ओवर डालने भी आ जाते हैं इसके, जब कैप्टन होते हैं तो पहले ओवर में पावर प्ले में आपको वैल्यू मिल जाती है. हालांकि बहुत ज्यादा विकेट्स लास्ट ईयर पावर प्ले में मिले नहीं थे, बट उसके बाद इंडिया के लिए काफी विकेट्स हमने पिक किया पावर प्ले में भी द न्यू बॉल. और अगेन CSK बैटिंग नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं है अभी तक, सरप्राइजिंगली उनका हाईएस्ट स्कोर अगेन CSK ही 25 नॉट आउट रहा है, लेकिन विकेट्स काफी पिक किए, 8 विकेट्स हैं उनके जो कि उनके सेकंड हाईएस्ट हैं IPL. और अगर आप टॉप 3 स्पेल्स देखेंगे, 2 अगेंस्ट CSK आए हैं, तो ऑलराउंड वैल्यू है. और कॉनवे जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट है, अभी आकाश सर के भी कैप्टन वाइस कैप्टन पक्का कुछ मिलेंगे. आकाश सर कैप्टन वाइस कैप्टन बताइए. सी हार्दिक पांड्या कैप्टन, और हार्दिक पांड्या के आपने नंबर्स की थोड़ी बात की कि CSK के खिलाफ बैटिंग के नहीं है, पर सी स्मॉल लीग के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, जब सबका कैप्टन ही हार्दिक पांड्या होने वाला है, तो चाहे वो 0 बनाए चाहे 100 बनाए, तो वो वाला स्मॉल लीग का एक रिस्क मिटिगेट करने के लिए हार्दिक पांड्या का कैप्टन. प्लेयर कितना अच्छा है वो सब जानते हैं, और जो चेज कर रहा है, अगर गिल चेज कर रहा है तो गिल वाइस कैप्टन, कॉनवे चेज कर रहा है तो कॉनवे वाइस कैप्टन, क्योंकि चेजिंग बायस की जब हमने बात करी ली, हम कह रहे हैं कि बहुत फर्क पड़ता है, तो और कॉनवे ऑल्सो हिट्स द ग्राउंड रनिंग, ही इज नॉट लाइक ऋतुराज, तो दोनों ही बड़े अच्छे चॉइसेस हैं, जो चेज कर रहा है उसको रख लो, कप्तान हार्दिक पांड्या, रिस्क लेने का आप उनको नहीं है, रिस्क का काम अनुराग द्विवेदी का. अनुराग जी आइए बताइए. एक्चुअली मैं ये सोच रहा था, मैं कॉनवे को मैंने सोचा था कि मैं कैप्टन करूंगा, अदर बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड डजंट मैटर. वाइस कैप्टन मैंने सोचा था कि अगर ये गुजरात अगर पहले बैटिंग करे तो हार्दिक कर दूं, नहीं तो अगर नहीं सॉरी गुजरात पहले बैटिंग करे तो ड्रेन पेट्रोलियस को ट्राई करूँ, क्योंकि डेथ में और कोई ऑप्शन है नहीं CSK के पास, मुझे लग रहा है 2 ओवर डालने वाला है वो, और विकेट्स लिए थे लास्ट सीजन में, हमने देखा था कि बॉलिंग तो अच्छी करते हैं, थोड़ा बस ये प्रॉब्लम होती है वाइड ज्यादा डालता है जहाँ पर विकेट मिलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, तो वो बचने का सोच रहे थे लास्ट सीजन, बट मैच कुछ अलग करना है तो मैं पेट्रोलियस के साथ जाऊंगा, वाइस कैप्टन मैं उनको कर दूंगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या का को कैप्टन बनाना ना बनाना, वो बना रहे हो तो वो कुछ है ही नहीं, वो कैप्टन परफॉर्म करे ना करे बात बराबरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग का वही होने वाला है.
गुजरात के कैप्टन भी होंगे, हमारी फैंटेसी टीम के भी वो होंगे, बहुत ही स्टेट ऑप्शन है स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हैं। और ड्वेन प्रिटोरियस की बात की कि वाइड यॉर्कर्स काफी डालते हैं, बट वो वाइड यॉर्कर्स लोअर वन ज्यादा होती है इसलिए विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। अगर आप फास्ट वाइड यॉर्कर्स डालते हैं तो विकेट नहीं मिलते, जो कि एक सीजन नटराजन के साथ भी काफी हुआ था और मुझे हर टीम में हर मैच में लेता था लेकिन पॉइंट नहीं मिलते थे, क्योंकि वाइड यॉर्कर्स बहुत कम चांसेस है कि वो आप इनसाइड एज लग के स्टंप्स पे आ जाए। तो फिलहाल ये हो गए हमारे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन। अनंत भाई, आपने राशिद खान को सेफ कैप्टनसी चॉइस में दिया था और राशिद खान बहुत ज्यादा रिसेंटली विकेट्स नहीं पिक किए पीएसएल के बाद से, और सीएसके अगेंस्ट उनके नंबर्स अभी तक अच्छे नहीं रहे, उनका वर्स्ट एवरेज जो है अगेंस्ट सीएसके। लेकिन अब जो बैटिंग लाइनअप है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि नंबर्स तब पहले वॉटसन खेलते थे तो बहुत इजीली खेल जाते थे, उनका स्पेल निकाल देते थे। अभी जो ये बैटिंग लाइनअप है, मोइन अली को 3 बार आउट कर चुके हैं जो कि उनके हाइएस्ट डिसमिसल्स हैं किसी भी बॉलर के अगेंस्ट आईपीएल। सामने होंगे बेन स्टोक्स होंगे जो कि ऑलरेडी 6 इनिंग में 3 बार उनको आउट कर चुके हैं और लोअर ऑर्डर के अगेंस्ट भी नीचे आके लास्ट 5 ओवर्स में विकेट्स ले सकते हैं। तो आपके लिए अभी भी एक अच्छी हाई रिस्क कैटेगरी वाली पिक रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अनुराग हो सकते हैं शायद पिक भी ना करें अभी स्मॉल लीग में। राशिद खान को हाँ जी बिल्कुल रखूंगा भाई, बिल्कुल रखूंगा। बढ़िया, मुझे तो लगता है T20 जो फॉर्मेट ना, इसमें रिस्ट स्पिनर्स का ही है, 1 ओवर में 2 विकेट है। आप असंगा को, मैं उसको पर्सनल रीजन है, मैं नहीं उतना ज्यादा करता प्रेफर पर्सनल करता, रीजन पे नहीं बट जाते हैं, राशिद पर्सनल बट रीजन पे नहीं जाते बट राशिद खान को बट बट श्रीलंका, श्रीलंका के बंदे ने लखनऊ में जाके तेरी भैंस कौन सी चुरा ली, मेरी समझ में नहीं आ रही। पर्सनल क्या है उसके साथ, नहीं सर, तेरा होता है पर्सनल कैसे है उसके साथ और जॉस कभी, बटलर के साथ नहीं नहीं पर्सनल कभी कैसे है? मैं बताता हूँ, कभी कभी होता है कि हम जब ट्राई करते हैं ना वो प्ले परफॉर्म नहीं करता, और जब हम नहीं ट्राई करते 100% परफॉर्म करता है। हाँ तो वो तो ऐसा होता है लगता है कि यार तुम, मैं ये नहीं बोल रहा वो मेरे लिए, मुझे लगता है मैं ही उस प्लेयर के लिए मनहूस हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, मैं रख लो टीम में, कुछ मत बनाओ, चलो। तो राशिद खान, लेकिन वो एबिलिटी है 1 ओवर में 2 विकेट लेने की। आप कई बार हुआ है, मैंने कई बार हुआ, कभी कभी रबाडा को टीम में लिया नहीं है और लास्ट ओवर में आया और मैच उसकी टीम हार चुकी है, मैच चेस कर रही है, टीम जीत चुकी है, बट वो आया एक, वो 2 बॉल पे 2 विकेट लेकर चला गया, अब मैं हार गया। तो ऐसे प्लेयर जो कि एक, मतलब लगातार 1 ही ओवर में 2 विकेट 3 विकेट लेने की जो क्षमता रखते हैं, उनको ड्रॉप करना थोड़ा रिस्क रहता है, तो वो चीज है। अभी तो सर मैं बहुत जिम्मेदारी से रिस्क काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं बहुत सोच समझ के रिस्क लेता हूँ सोच समझ के, ये रिस्क सोच समझ इस के पर हम रिस्क। बाद, और पता जब है हमारे पास हार्दिक समय होगा को, तब इसमें बस और मैं चर्चा हार्दिक करेंगे को, बाद में। हाँ नहीं समय, एक मिनट बस, हार्दिक पांड्या को बस कुछ अलग क्योंकि मैं करता हूँ, सब भेड़ चाल और इसमें जाना थोड़ा मुझे वो लगता है, तो मैं थोड़ा अलग करना चाहता हूँ, वरना हार्दिक पांड्या मुझे लग रहा है इस मैच में बॉलिंग बैटिंग दोनों से परफॉर्म करने वाले है। जो हाईएस्ट स्कोर 25 का सीएसके के अगेंस्ट, वो ज्यादा होने वाला है इस बार, 30 से ज्यादा बनाएगा। बहुत बढ़िया, तो अभी फिलहाल चलते हैं रिस्की ऑप्शंस पे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जिसपे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अच्छा खासा, जो कि शायद आपके ओपन रेट ज्यादा ना ले। वसीम सर आपके साथ शुरुआत करते हैं, आपका फेवरेट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में राशिद होंगे मेरे डेफिनेटली, के जैसे सारे लोगों ने बात की है कि वो भले इकोनॉमिकल हो बट वो विकेट निकालने की एबिलिटी है। उसके अलावा मोइन अली, मुझे लगता है मोइन अली ऊपर भी बैटिंग करेंगे, और ये बड़ा ग्राउंड है, कभी कभी धोनी उनको इतना यूज नहीं करते, बॉलिंग नहीं करवाते, बट ये ग्राउंड में शायद बड़ा ग्राउंड है तो मोइन अली शायद वहां पर भी बॉलिंग करेंगे और विकेट ले सकते हैं। और राशिद खान भी नीचे बैटिंग, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो बहुत बड़ा असेट है कि उनको प्रमोट किया जा सकता है, तो ये दो मेरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होंगे, राशिद और मोइन। अगर सर क्या आपके भी सेम ही होंगे हाई रिस्क हाई कैटेगरी में या फिर कुछ और? सिमिलर है एक्चुअली, वेरी वेरी सिमिलर चॉइसेस, पर हमारा क्या, हमारे 5 लोग हैं तो ऐसे अगर हम एक एक दो दो करके दे देंगे तो सारे प्लेयर कवर हो जाएंगे। वही तो करना है तो वही वही इसीलिए, मतलब जस्ट टू बी सेफ। तो अगर पहले बॉलिंग आ जाती है मान लीजिए चेन्नई की, तो फिर प्रिटोरियस और दीपक चाहर में से कोई भी वो आपका रियली हाई रिस्क बट रियली हाई रिवॉर्ड हो सकता है, कि 2-3 विकेट और शुरू में एक नई गेंद से दूसरा बंदा पुरानी गेंद से कर सकता है। उनके लिए जो सामने वाली टीम है उसमें मुझे कोई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड दिख नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाला नहीं दिख रहा है कि भाई शमी है, विकेट चटकाते हैं पर डेथ में कितना करेंगे क्या करेंगे। आई मीन स्लाइटली लेस रिलायबल ऑप्शंस, रिस्क थोड़ा ज्यादा लगता है उनके साथ। तो मैं 2 नाम और जोड़ दिए इसमें लिस्ट में, चलो मोइन अली और राशिद कहे थे वसीम ने, मैंने कह दिया ड्वेन प्रिटोरियस और दीपक चार, बाकी दो दो तुम सारे जोड़ दो ताकि इस वीडियो के नीचे आके कोई गाली ना दे, सब कवर किया हमने। सर आपको नहीं पड़ सर पहले सकती पहले हमें 22 प्लेयर देने होते थे, अभी हम 30 देंगे, इम्पैक्ट प्लेयर भी मिला लेंगे सारे, 30 प्लेयर दे करेक्ट देंगे, फिर बोल देंगे देखो हमने बोला था चल गया ना, चल गया। अनंत भाई आपके लिए कौन सा होगा प्लेयर?
यार मुझे अनुराग की तरह रिस्क से इतना इश्क नहीं है, मतलब मैंने दो जीटी के ऑप्शन दिए हैं इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी पिक्स, तो मैंने सोचा हाई रिस्क हाई बिल्कुल रिवॉर्ड बिल्कुल बनता है, तो बिल्कुल मैं मोइन अली की तरफ और बेन स्टोक्स की तरफ सोचा था। मोइन अली ओनली सीएसके प्लेयर जिसने 200 से ज्यादा रन बनाए और 7 से ज्यादा विकेट लिए लास्ट सीजन। मुझे सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स अगर सीएसके के खेमे से किसी ने दिए थे तो वो मोइन अली था। तो अगेन मैं थोड़ी सी इमोशनली ये पिक लेना चाहूंगा। 10 में से जो 7 गेम थे उसमें से 30 से ज्यादा रन उसने बनाए, तो जनरली सेफर इन टर्म्स ऑफ दैट, बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इसलिए बिकॉज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हो। तो अगर राशिद खान जो है वो चल जाता है तो मेरे हिसाब से मोइन अली जैसा बल्लेबाज जो है उनके अगेंस्ट एक अच्छी मतलब एक अच्छी ढाल बन सकता है। तो हैंडी ऑप्शन इफ ही परफॉर्म्स। बेन स्टोक्स को मैं एक दूसरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरह सोच रहा था बिकॉज ही कैन बी यूज्ड एज एन ओपनर। यार अब ये तो एमएससी डिसाइड कर सकता है, एमएससी जानता है कि वो यूज करते हैं कि नहीं, बट एज एन ओपनर उनका आईपीएल में एवरेज 31.2 का है। जब वो पुणे के लिए खेलते थे तो मैंने एक आई थिंक उनकी एक पारी देखी थी एज एन ओपनर एज वेल, आई कुड बी रॉन्ग, एज आर आर अपोज के लिए भी टू ओपन किया उन्होंने, आर आर के लिए आर आर ओपन के किया लिए उन्होंने, आर 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 के ओपन लिए किया। ओपन किया। तो 23 के आसपास का एवरेज है जब वो मिडिल ओवर्स में खेलते हैं, जब ओपन करते हैं तो बेहतर हो जाता है उनका औसत। और उसके अलावा ब्रावो का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं वो एज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, जो कि उनको एक जरूरत है। और उनके 28 में से 14 विकेट डेथ ओवर्स में बोलिंग करते हुए आए आईपीएल में, तो आई एम लुकिंग एट देम इन टू वेज। तो बेन स्टोक्स अगर एज अ बॉलर एज अ बैटर आपको दोनों तरह से पॉइंट दिला रहा है, तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिस्क इसलिए थोड़ी सी ज्यादा है बिकॉज काफी टाइम बाद वो खेलने आ रहा है यहाँ पे और इस फॉर्मेट में, तो अब देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। बट अनु भाई अभी शायद वो बोलिंग स्टार्टिंग बोलिंग नहीं कर रहा है मैचेस में बॉलिंग नहीं करेगा, अभी बॉलिंग तक, नहीं करेगा ऑफिशियल नहीं है बट क्या वो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ। वो शायद बोलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, हाँ एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में एज अ प्योर बैटर ही खेलेंगे। अगर सर अब थोड़ा हमने रिस्क की बात करी ली, तो रिस्क हम दोनों साइड ले सकते हैं, एक तो उनको कैप्टन बनाने का, दूसरा ड्रॉप करने का। आपको लगता है क्योंकि बोलिंग करेंगे नहीं सामने विद द बैट कुछ ना, मैचअप ड्रॉप नहीं मैचअप करने का, ड्रॉप नहीं करने घर का से मैचअप, आप घर बता से दो पड़ मैचअप गया बता दो, पहले मैचअप आप पड़ बता दो, गया पहले हाँ पहले बता दो। तो दो बॉलर्स उनको सबसे ज्यादा आउट किए अभी तक T20s में, सामने राशिद खान ने 6 इनिंग में 3 बार और 6 इनिंग में 3 बार हार्दिक पांड्या भी, और मोहम्मद शमी 3 इनिंग 2 बार आउट कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है सर प्योर बैटर की खेल रहे हैं तो रिस्क लेना थोड़ा सा बनता है, स्पेशली ग्रैंड लीग में जो खेल रहा है वो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ। हाँ वो ग्रैंड लीग में कुछ भी करो यार, तुमने 5-7 टीमें बनानी होती है, एक में उसको ड्रॉप कर दिया, एक में उसको ड्रॉप कर दिया, इसकी शक्ल पसंद नहीं आई इसलिए ड्रॉप कर दिया, कुछ भी कर सकते हो। आई मीन ग्रैंड लीग है ना, चांस ले सकते हो, पर देखिए चेन्नई ना मेरे पे कानों पे हाथ लगवा देती है ये, जब चेन्नई की वाला जो फैंटेसी खेलनी पड़ती है ना, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा गॉड ओनली नोस। तो ये हमने पिछले साल बड़े ध्यान से देखा था, जिस दिन रॉबिन को पिक करते थे वो 5 पे आता था, जिस दिन अंबती को पिक करते थे वो 5 पे आता था, तो जिसको आपने पिक किया वो बंदा नीचे हो जाता था, ये धोनी को पता होता है। तो धोनी की वो चीट चीट हमें पता नहीं है, तो वो हमसे भी, हमारे साथ ही फैंटेसी खेल रहा है, वो अलग खेल रहा है गेम। तो बेन स्टोक्स को मैं नहीं करूंगा ड्रॉप भाई, 11 में रखूंगा, अभी हम टीम भी बना लेंगे अगर आप कहोगे तो। तो बेन स्टोक्स से पंगा नहीं लूंगा, मतलब सिर्फ रख लूंगा कि यार आई मीन स्मॉल लीग के अंदर नुकसान बहुत करा के जाएगा, और बाकी ऑप्शन भी देख रहा था, उतनी ऑप्शन है नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लगता है लेकिन मैंने टीम बना ली थी अपनी, तो उसमें बेन स्टोक्स मेरी टीम में जगह बना चुके हैं ऑलरेडी, सो यस बेन स्टोक्स में ड्रॉप नहीं कर रहा। आते हैं टीम पे आते हैं, उससे पहले अनुराग हाई रिस्क कैटेगरी वाला कौन सा होगा आपके लिए वो कैप्टन चॉइस? मैं क्योंकि मैं स्मॉल लीग से खेलता हूँ, मैं ग्रैंड लीग उतना खेलता नहीं, मैं सोचूंगा कोई ऐसा प्लेयर मिल जाए जो अगर 2-3 विकेट लेके चला जाए, ज्यादा लोगों ने उसको पिक ना किया हो तो मेरे लिए काफी फायदेमंद रहेगा वो। तो मैं सोच रहा हूँ अगर जयंत यादव खेलते हैं तो वो अपना, मुझे लग रहा है अगर खेलेंगे तो पूरा ओवर जो कोटा है पूरा करेंगे, तो क्योंकि सामने लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंडर्स में आपको बेन स्टोक मिल जाएंगे, मोइन अली मिल जाएंगे, कॉनवे मिल जाएंगे, रवि जडेजा मिल जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो अगर 2 विकेट ले लेते हैं तो फिर काम आ जाएंगे। तो मैं रेक्स फैक्टर रहने वाले ट्रंप रहने वाले मेरे जयंत यादव अगर खेलते हैं तो। अगर सर वैसे हर बार ये टैक्टिक यूज होती थी, हर साल वो खेलते थे लेफ्ट हैंडर्स के लिए, एक ही मैच खेलते थे वो पूरे आईपीएल में इनफैक्ट दो, लेकिन विकेट पिक नहीं करते थे। तो आपको लगता है कि वो बॉलर तो अच्छे हैं लेकिन वो इकोनॉमिकल हैं, लेकिन अगेन पॉइंट्स आपको शायद ना दें बहुत ज्यादा? पहले बॉलिंग में मिल सकते हैं एक्चुअली पॉइंट्स, क्योंकि पहले बॉलिंग में आपके पास वो विकल्प नहीं रहता, आप किसी को तो मारने जाओगे ना, और बॉल भी गीली नहीं होगी, चलो वो भी एक बात रह गई, लेफ्टी है तो, और मोइन अली आई मीन उनके खेलने का तरीका वही है। डेवन कॉनवे एक्चुअली प्लेज वेरी कंजर्वेटिवली, बहुत बहुत हाँ वो बड़ा अच्छा स्पिन खेलते हैं, उनको तो इंडियन ही मान लेना चाहिए, आधार कार्ड बनवाऊंगा। पर मोइन अली वैसा काम नहीं करते, वो छक्के चौके देखने की कोशिश करते हैं, बड़ा मैदान है, विकेट मिल सकते हैं। जयंत यादव इज एन ऑप्शन, पर जयंत यादव ये भी याद रखना कि अगर पहले बैटिंग आती है मान लीजिए गुजरात की, तो वो तो 11 में उनका नाम भी नहीं होगा, ना तो वो सेकंड इनिंग में खेलेंगे विच इज करेक्ट, तो वो वाला और बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वहां पे एक जयंत यादव का नाम भी हो, दूसरा हो सकता है दर्शन नालकंडे भी हो,
तो सडनली आपके जहन में बात रहेगी कि अब मैं दर्शन नाटकंडे को लूं, क्योंकि बाद में ड्यू आती है तो शायद अगर ज्यादा ड्यू आ जाए तो मैं ऑफ स्पिनर यूज ही नहीं करूंगा. सो दैट इज दैट इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जो हम सबको गच्चा दे सकता है इन दी एंड. तो वो एक बात है. पर जयंत यादव बोलिंग फर्स्ट में इट्स नॉट दैट बैड अ चॉइस एक्चुअली. वसीम सर, अब इससे पहले कोई और गच्चा थे, फटाफट आप ये बता दीजिए कौन सा आपकी प्लेयर टू अवॉइड होगा, कौन सा प्लेयर है जो आपकी टीम में जगह नहीं बना रहा इस बार. मैं ऋतुराज को नहीं रखूंगा. यू नो इज ए स्लो स्टार्टर, हमने देखा है वो पैटर्न उनके साथ में. तो उनको थोड़ा सा मैं शुरू में अवॉइड करूंगा एंड सी हाउ ही प्लेज. बट ऋतुराज एट दिस पॉइंट आई विल ट्राई एंड अवॉइड इट. तो अगर आप स्काउट फॉलो करते हैं और उन अर्ली सब्सक्राइबर्स में से रहते हैं, तो ये हमने ट्रेंड हमने स्टार्ट किया था जब हमने बहुत डिटेल में बात की थी तो राज का एक बार की ये ट्रेंड की कि स्लो स्टार्टर है मुंबई की तरह स्लो स्टार्ट करते हैं. 2020 में पहले स्टार्टिंग 3 मैचेस में सिर्फ 5 रन थे, नेक्स्ट सीजन स्टार्टिंग के 3 मैचेस में सिर्फ 20 रन थे, और लास्ट सीजन भी स्टार्टिंग के 3 मैचेस में सिर्फ 2 रन थे. तो जरूरी नहीं है वो 3 का नंबर ही नहीं पकड़ना आपको, बट स्टार्ट बहुत स्लो करते हैं. लेकिन ये सीजन बहुत रन मार के आ रहे हैं, डोमेस्टिक में भर भर के रन किए हैं. सईद मुश्ताक में 5 इनिंग में 2 सेंचुरीज हैं, फिर उसके बाद विजय हजारे में आए वहां पे 4 सेंचुरीज मारी, अभी फर्स्ट क्लास में 195 मार के आ रहे हैं, तो बहुत रन करके आ रहे हैं. वसीम सर पक्का ड्रॉप कर रहे हैं. मैं पैटर्न के साथ जा रहा हूँ, हिस्ट्री के साथ. आई एम फॉलोइंग हिस्ट्री. मेरा क्या, मैं तो हिस्ट्री चल गई तो मैं वो चला दूंगा, वो नहीं चला तो आपको भी चला. इस ग्रुप में सबसे सेफ बंदा अगर कोई है तो वो पीयूष है, सही बात. सबसे सेफ. हाँ तो आप पे आते हैं, आप बताइए प्लेट वर्ड आपका कौन सा होगा. मैं हाँ जी मैं ऋतुराज या फिर बेनस्टोक में से कोई एक सोच रहा था, पर ऋतुराज का मुझे लग रहा है कि अब वो अभी वसीम सर ने बोल दिया, मैंने कहा नहीं थोड़ा हम कुछ अलग ही करते हैं, हम उसको नहीं ड्रॉप. मैं बेनस्टोक को एक्चुअली ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा, क्योंकि बॉलिंग जैसा माइकसी ने बोला कि बॉलिंग तो स्टार्टिंग मैच में कुछ करने वाले है नहीं, और फिर आपने मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया पीयूष भाई, आपने वो नंबर्स बता दिए राशिद वाली खान, और पड़ेगी उसके बाद हाँ वाली गाली नहीं पड़ेगी. पड़ने वाली है, कुछ नहीं पड़ने वाली है. तो मेरा वो मतलब मन में आ गया कि ये अच्छी मतलब अच्छा ऑप्शन रहेगा ड्रॉप करने का, तो मैं बेनस्टोक को मैं ड्रॉप करूंगा, रिस्क लूंगा, और अगर सब तभी प्लेट ड्रॉप अवॉइड. करूंगा जब तभी ड्रॉप करूंगा जब कोई ऐसा प्लेयर मेरे मन में है जो मुझे लग रहा है इससे बेटर देगा, तब मैं ड्रॉप कर इसकी जगह पर उस प्लेयर को पिक कर लूंगा, काफी सेंसिबल बातें करने लग गया अगर सर. देखिए है ना. एक ही ऐसी जगह है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी को ड्रॉप किया जा सकता है. कोई मिस अरे नहीं करता है कमेंट्स एक्चुअली. कमेंट कोई नहीं पड़ेगा, कोई कमेंट नहीं पड़ेगा. माइक ड्रॉप कर दिया भैया इसके बाद, और या ये वीडियो खत्म कर दो यार. सो या अनंत भाई प्ले टू वाइड. यार मैं एक्चुअली मैं वसीम भाई ने पिक कर लिया ऋतुराज गायकवाड, मैं भी उनके बारे में ही सोचा था, वो स्लो स्टार्टर वाली बात थी, ऑल्दो उनके जो 3 अर्धशतक थे पिछले सीजन उसमें से 2 गुजरात के अगेंस्ट आए थे, तो वो एक फैक्टर रहता है. मैं एक्चुअली केन विलियमसन को ड्रॉप करनी, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि केन विलियमसन अभी 100 मार के आ रहा है टेस्ट मैच में, बट इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, आई थिंक इट माइट टेक टाइम टू जस्ट गेट स्टार्टेड. केन विलियमसन को मैं ड्रॉप करने की रिस्क उठाने वाला हूं आज के मैच में. बहुत बढ़िया, तो सब कुछ कर लिया है हमने. अब इससे पहले रहता फैल जाए टीम बना लेते हम. हाँ चलिए तो विजन 11 पे फिर से गिव अवे, और जैसा मैं बोलता हूँ बहुत पैसा है इनके पास में इस मैच में, तो 2 लाख का गिव अवे. तो फ्री में जरूर ज्वाइन कर लेना, कुछ नहीं करना टीम बना के, सिर्फ फ्री एंट्री है और फ्री में आप कुछ ना कुछ जीत ही जाओगे. नहीं भी जीते तो क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा जीत सकेगा. वीडियो सेक्शन में आपके पास स्टेट ऑप्शन है कॉनवे, आपके पास दूसरे ऑप्शन होंगे साहा और वेड के खेलने के भी चांसेस हैं. नंबर वन चॉइस ऑफ कोर्स होंगे कॉनवे, क्या आप में से कोई और दूसरा विकेट कीपर पिक करना चाहेगा साहा या फिर वेड में से. मैं सोच सकता हूँ साहा का पिक करने में, मैं भी ठीक है गलत फिलहाल सेक्शन के लिए में हम है यार वो. कॉनवे. कीपिंग कीपिंग सेक्शन में नहीं हो पाएगा. आई मीन वसीम सर क्या आप पिक करना चाहेंगे साहा वेड में से किसी को, हालांकि पंजाब के लिए नहीं खेलते वो दोनों. वेट तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि अगर वो ओपन करने वाले हैं तो वो मतलब डेंजरस बन जाते हैं. पीएसएल में उन्होंने रन बनाए हैं ओपन करके, तो यू नो इट कुड बी अ गुड ऑप्शन. या तो बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, जो कि हम बाद में बात करेंगे, तो उसके बाद हम बाजेंगे. बैटिंग सेक्शन में आपके पास गायकवाड हैं, शुभमन गिल हैं, केन विलियमसन, ये 3 प्लेयर्स जो कि स्ट्रेट आपके पास स्मॉल लीग में सबके पास मिलने वाले हैं, क्या आप इनमें से कुछ रिस्क लेंगे ड्रॉप करने का, किसी और को पिक करना चाहेंगे. ऑप्शन आपके पास राइट हुए हैं, अगेन नीचे बैटिंग कर रहे हैं अभिनव मनोहर जो कि हो सकता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपके पास आए, बट अगेन बहुत ही नीचे बैटिंग कर रहे हैं वो भी, और ज्यादा आपके पास बैटिंग सेक्शन में ऑप्शन है नहीं. मिलर जो कि अवेलेबल नहीं है, कुछ चेंज करना चाहेंगे 3 स्ट्रेट ऑप्शन.
तीन स्टेट ऑप्शन है। शिवम दुबे भी अगर मुझे, उनका शिवम दुबे का मुझे लग रहा है टैग प्लेयर में यूज करेंगे इनका जॉन तो दुबे भी बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है। ऑलराउंड सेक्शन में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, और फिलहाल के लिए अब आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं ये दो तो डिफॉल्ट है। आपके पास ऑप्शन है मोइन अली, जो कि अगेन डिफॉल्ट ही होंगे। अब चौथे आपके पास ऑलराउंडर के लिए जो स्पॉट बचती है, क्योंकि आप चार ही ऑलराउंडर ले पाएंगे विजन 11 पे, तो है बेन स्टोक्स और ड्वेन प्रिटोरियस। तो क्या बोलिंग फर्स्ट अगर आती है चेन्नई, तो आप प्रिटोरियस को पिक करेंगे, स्टोक्स को ड्रॉप करेंगे? अनंत भाई आपसे शुरुआत करते हैं। यार, मैं प्रिटोरियस को ड्रॉप करूंगा। आई डोंट नो व्हाई। मैं तो वेट कर रहा था सुसांदा मगाला अवेलेबल हो जाए। मैं बड़ा फैन हूँ उसका। मैंने जब SA20 किया था तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट देयर। मुकेश चौधरी भी इंजर्ड है, डाउटफुल है, तो हिक्षणा भी नहीं है, बट आई डोंट नो। प्रिटोरियस मुझे डजन डजन इंस्पायर कॉन्फिडेंस, तो मैं प्रिटोरियस को ड्रॉप कर रहा हूँ। वसीम सर, अगर एक ही पिक करना हुआ मैं बिटवीन एक्चुअली प्रिटोरियस स्टोक्स? हाँ मैं एक्चुअली प्रिटोरियस को करूंगा और स्टोक्स को प्रॉब्ली अवॉइड करूंगा, अगर स्टोक्स बॉलिंग नहीं डाल रहे, पहला मैच है IPL का, तो यू नो आई विल स्टे अवे फ्रॉम स्टोक्स। प्रिटोरियस मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। मुझे मिल गया कौन सा कट करना है, तो आप कौन सा कट यूज करेंगे? आकाश सर आपके लिए ऑलराउंडर। सी अगर एंड आपने डिफॉल्ट चॉइस दी थी वैसे एक्चुअली रविंद्र जाडेजा की, लेकिन अगर रविंद्र जाडेजा की बॉलिंग बाद में आ रही है और तो हो सकता है जड्डू को ड्रॉप कर दूं यार। इट्स इट्स अ गुड चांस कि मैं जड्डू को कहूंगा कि आप रहने दीजिए, इट्स ऑल राइट। मैं मोइन को भी रख लूंगा, प्रेटोरियस को भी रख लूंगा, बेन स्टोक्स को भी रख लूंगा, हो सकता है मैं जड्डू को छोड़ दूं, क्योंकि जड्डू का एज गुड अ प्लेयर एज ही इज, एक तो पिछला साल अच्छा नहीं रहा था, उसके बाद हाफ वे में चले भी गए थे, कैचेस वैचेस के पॉइंट्स देते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर कई बार कप्तान से 4 ओवर भी नहीं कराता है यार। वो MS का जो ऑपरेशन का तरीका बड़ा डिफरेंट है। तो अगर तो ड्यू की उम्मीद है, वो काली मिट्टी की पिच है और बाद में डिफेंड करना है, जड्डू को छोड़ सकता हूँ। दैट्स अ गुड चांस कि मैं जड्डू को ही छोड़ दूँ। यार इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स होने से शायद वो थोड़ी बैटिंग पोटेंशियल भी हिट हुआ है, क्योंकि वो पहले उन्हें प्रमोट कर दिया जाता था और अभी इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हो गए, शायद वो भी इतना एडवांटेज ना मिले जो पिछले सीजन था। अनुराग ऑलराउंडर। भाई मैं तो मोइन अली, हार्दिक पांड्या और डेन पेटर्स में फिलहाल पिक कर रहा हूँ, तो ये मेरे तीन है। बेन स्टोक्स को तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, और जड्डू अगर प्रिटोरियस अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि मैं जड्डू को ट्राई करूँ, बट अभी कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो बॉलिंग सेक्शन पे आते हैं, वहां कुछ कह देना। तो मोहम्मद शमी स्टेट चॉइस हैं, जो कि स्मॉल लीग में सब पिक करने वाले हैं, इसके अलावा राशिद खान, जो कि ऑलमोस्ट सबकी टीम में मिल जाएंगे। तीसरे अब जो आपके आपके ऑप्शन है, आपके पास शिवम मावी है, या फिर अगर आप CSK से कोई बॉलर पिक करना चाहें, दीपक अभी चहर हमें चार दीपक चार चहर ऑफकोर्स, और अवेलेबिलिटी का भी जो कंफर्म नहीं है वो अल्जारी का, कि वो ज्वाइन कर लेंगे तब तक या फिर पहले मैच के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। वसीम सर आपके लिए वो बॉलर्स जो आपको लगता है कि दो तो मस्ट हैव आपकी टीम में होने होने चाहिए। आई थिंक दीपक चार विदाउट अ डाउट, दीपक चार तो होंगे ही। उसके अलावा शामी, दीपक चार, शामी, राशिद, ये तो मुझे लगता है डिफॉल्ट है। हार्दिक पांड्या अगेन वो ऑलराउंडर कैटेगरी में होंगे तो वो एक बॉलर बन जाता है, बट दीपक चार, मोहम्मद शामी मेरे हिसाब से। अगर सर इससे पहले अनुराग सो जाए नींद आ रही उसको, हमें जल्दी वीडियो खत्म ही अभी करना काम पे है। जाना है, काम पे जाना है, अरे सो कैसे काम पे आना जाएगा? है भाई, हाँ अब सोने के दिन बोले गए, बताइए सर। अब सोना कमाने के दिन। सो दीपक चाहर और अपना मोहम्मद शामी डिफॉल्ट चॉइसेस हैं, उनको आप टच ही नहीं कर सकते, चाहे पहले बोलिंग हो बाद में बोलिंग हो। और राशिद खान, क्योंकि मैं बाकी नाम देख रहा हूँ उसमें अल्जारी अगर होते और इनकी पहले बोलिंग आती तो फिर आप अल्जारी पिक कर सकते हो, राशिद को छोड़ सकते हो। आई मीन दैट कैन ऑल्सो हैपन, क्योंकि राशिद की विकेट से अल्जारी के विकेट के चांसेस फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट में दे'ल बी लॉट हायर। सेकेंड बॉलिंग में राशिद को आप टच नहीं करते, क्योंकि राशिद इज एट हिज बेस्ट इन द सेकेंड इनिंग्स। पहली इनिंग में उतनी विकेट नहीं होती, सेकेंड इनिंग्स में विकेट चटकाने के चांसेस ज्यादा ब्राइट होते हैं, तो वो एक टॉसअप हो सकता है। पर अगर नहीं अवेलेबल मान लीजिए अल्जारी, तो फिर मत लो पंगा यार, पहला मैच है, राशिद को रख लो साथ में, उनके आगे पास खेल लो। जॉश लिटिल है आकाश, आई थिंक हाँ जॉश लिटिल है जैसे उनके पास फिर भी। लिटिल लिटिल है वो, हाँ आई थिंक को उसको मिल सकता है, लिटिल को छोड़ दूंगा यार, लिटिल चांस है। ओके चलिए ठीक लिटिल छोड़ है, दूंगा। लिटिल हैज लिटिल चांसेस। ओके तो फिलहाल चलते हैं अब आज के गिवअवे पे, और क्यू स्पोर्ट की ऐप लाइव हो गई, अगर आपने नहीं देखी है, नहीं सॉल्व किए तो कर लेना, और ब्रांड एम्बेसडर्स भी अनाउंस कर दिए हैं, ABW सुनील छेत्री, तो जब अनाउंस कर दिया है तो फिर आज जो गिव अवे होगा उन्हीं की ऑटोग्राफ जैसी हमारे पास, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं भेजेंगे, ओरिजिनल भेजेंगे आपको, आपको बस पार्टिसिपेट करना है, और जो विनर होगा उसको हम ओरिजिनल जर्सी भेजेंगे।
और एज यूजुअल जो डेब्यूटेंट है वो पूछेंगे गिव अवे का क्वेश्चन अन में. गिव अवे का क्वेश्चन. ओके और ये ध्यान रखना आंसर भी आपको करना है पहला. पहला आंसर कुछ यार मुझे थोड़ा सा उदाहरण दे दो ताकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए. मतलब कोई भी प्लेयर कोई प्लेयर क्या करेगा बना रहा है, क्या करेगा, कितना करेगा, जो मन में. ओके ओके चलो. तो दीपक चाहर पावर प्ले में कितने विकेट लिए हैं? अब आंसर नहीं देना मुझे. हां आंसर पहला आंसर आप ही को देना है. अच्छा यार मतलब आई थिंक 70-75% विकेट उतने आ रहे हैं. शुभमन गिल से मुझे रन बनवा रहे हैं तो मैं क्या करूं. एक विकेट ले रहा है पावर प्ले में केन विलियमसन का. वसीम सर मैं कहूंगा दो दो विकेट, तीन ओवर में दो विकेट. सर मैं कह रहा हूँ कि ना देख दो विकेट कह रहा हूं मैं, लेकिन ना इसके अंदर रन भी बताओ कि पावर प्ले के बाद उसका स्कोर, क्योंकि ना फिर दो क्या है कि दो वाले ना आंसर बहुत सारे आ जाएंगे. एक दो तीन ही आंसर आने वाले हैं, 500 की पांच वाला आंसर आएगा ना, उसे पांच विकेट लेनी है. तो फिर रन भी बताओ पहले अनंत जी, एक विकेट और कितने रन, सो दैट जो दो तीन ओवर डालेगा उसमें रन कितने बनेंगे ये बताओ. दो तीन ओवर जो डालेगा उसमें किफायती रहेगा तो हाँ. तीन ओवर में वो देगा 15 रन एक विकेट. ओके ओके वसीम जी कितने रन? मैं कहूंगा 16 for 2. वाओ ओके. टू विकेट्स 19 रन. पावर प्ले में 12 रन. पावर प्ले बता रहा हूँ, दो डाले तीन ओवर डाले मैटर नहीं करता. 12 रन एंड मैक्सिमम एक विकेट या फिर कोई भी विकेट नहीं, मैक्सिमम एक विकेट. और पीयूष 22 रन एक विकेट. अच्छा 22 रन. ये हमारा डेली का टाइम पास होगा, ये पूरी सीजन चलेगा क्योंकि पूरे सीजन आप करते रहेंगे गिव अवेज और पार्टिसिपेट करते रहना. एक गिव अवे टेलीग्राम पे भी होगा जो कि होगा डेडलाइन होने के बाद, तो सेकंड इनिंग्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं. और अगर आप हुए एग्जैक्ट तो भेज देंगे, नहीं हुए एक जो क्लोजेस्ट हुआ उसको भेज देंगे, और एग्जैक्ट अगर मल्टीपल्स हो गए तो भाई एक ही जज्जी हमारे पास, तो जो फास्टेस्ट होगा उसको भेज देंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और बहुत लंबा हो गया प्रीव्यू. होपफुली आपको मजा आया होगा, हमें तो बहुत मजा आया, हालांकि यहाँ से निकलना है तुरंत लेकिन मजा तब भी आ रहा था करने में. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वसीम सर, आकाश सर, अन भाई बहुत अच्छा लगा, और अनुराग थैंक यू सो मच. शुक्रिया.